आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे साथी प्रोबेशनर्स, आप सभी को सादर अभिनंदन। महोदय, मैं प्रगति सिंह, विभाग के सहायक कार्यपालक अभियंता वर्ष 2018 बैच की ओर से आपके आशीर्वचन प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व और सौभाग्य का विषय है कि हमें अपने सामूहिक अनुभवों को साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रशिक्षण के दौरान हमें विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित वैधानिक प्रावधानों, नियमावलियों एवं कार्यों के विनिर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यवहार कुशलता के गुण हमारे दैनिक क्रियाकलाप में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमने IIPA में 4 सप्ताह का एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें हमें नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, विचारों की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति कौशल, नैतिक मूल्य और जीवन संतुलन जैसे विभिन्न कौशलों को बेहतर ढंग से सीखने का मौका मिला। टीम भावना और अनुशासन के महत्व को समझने के लिए हमने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में 1 सप्ताह का एडवेंचर पाठ्यक्रम पूरा किया। इस दौरान हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिससे न केवल हमने अपनी शारीरिक क्षमताओं को परखा बल्कि एक मजबूत टीम भावना के साथ काम करने के लिए हम प्रेरित हुए। हमें दिल्ली स्थित प्रीफैब प्लांट, RMC प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और CND प्लांट जैसे विभिन्न संयंत्रों को भी देखने का मौका मिला। हम निर्माण कार्यों के निष्पादन का अनुभव प्राप्त करने के लिए दिल्ली में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं से भी जुड़े। इसके उपरांत हम 2 सप्ताह के अध्ययन भ्रमण के लिए दक्षिण भारत जाएंगे। यह हमारे देश की विशाल सांस्कृतिक विविधता की समझ विकसित करने और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने में निहित जटिलताओं को समझने में हमारी सहायता करेगा। महोदय, हम उन नवीन तकनीकों का स्वागत करेंगे जो समय और लागत को कम करके हमारे विभाग की कार्यदक्षता में वृद्धि करने में मदद कर सकें। हमने प्रशिक्षण के दौरान ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समयबद्धता जैसे विभिन्न गुणों को आत्मसात किया है। ये गुण हमें अपने कर्तव्यों को प्रतिबद्धता और लगन के साथ साथ पारदर्शी तरीके से पूरा करने में मदद करेंगे। महोदय, मैं आपको यह आश्वस्त करती हूँ कि इस प्रशिक्षण के उपरांत हम अपने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के द्वारा विभाग की समृद्ध विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अंत में हम सभी सार्वजनिक सेवा में अपने करियर के प्रारंभ पर आपसे आशीर्वाद व प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपकी गरिमामयी उपस्थिति में निष्ठा भाव से समर्पित और तत्पर हैं। मैं अपनी वाणी को विराम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर के एक कथन के साथ देना चाहती हूँ। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम सूर्य की तरह जलना भी सीखो। जय हिंद। सर, आई अजीता मोहंती ऑन बिहाफ ऑफ 2018 बैच ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ग्रांटिंग ऑडियंस टू अस। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी हियर and share our collective experience. Being the premier engineering department of Government of India, Central Public Works Department has contributed significantly in nation building and is adept to various policies of the Government of India. The focus today being on building green and sustainable habitats, smart cities and accessible India campaign, we have designed our working procedures to meet the policies of the government. We embarked on 35 weeks foundation training from 14th May 2018 at National CPWD Academy, Ghaziabad. Foundation training comprises of 16 weeks classroom training, 4 weeks soft skills training, 8 weeks field attachments, 2 weeks study tour, and 4 weeks of headquarter attachments. During classroom training, we learned about technical aspects such as design and detailing of structures and various building services, accounting procedures, public procurement, and contract management. We were also exposed to various administrative functionalities related to vigilance procedures, RTI Act, CCS-CCA rules, and project management. In the later part of training, we will be attached to the headquarter units to get first-hand experience of the administrative aspects of the organization.
to work together as a unit from different parts of the country, this module will help us in having a proper communication channel between our divisions and headquarters. Technology is an important aspect where we have progressed at a fast pace. Building management system is a perfect example where all the building services are interfaced together to ensure smooth functioning of a building. Today, our focus is mainly to create energy efficient buildings like net zero buildings, which consume the same amount of energy they produce. Indira Paryavaran Bhavan, constructed by CPWD, is one of the examples of such buildings. The training experience has transformed us from a fresh graduate engineer to a working professional and administrator. The knowledge gained during these training modules will be of great help to us in discharging our duties effectively. We will be sensitive towards the latest developments around the globe and keep our standards high in meeting manifold requirements of infrastructural development and construct structures which are technically sound, environmentally sustainable, energy efficient, and economical. In the end, we take privilege to seek your blessings at the beginning juncture of a career in public services. Thank you. Maninya Rashtrapati Mahoday, Sabhi Varishth Adhikarigan, और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. मैं हूँ दीपाली मिश्रा, उपवास्तु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग. भारत के प्रथम नागरिक से मिलने का यह अवसर हमारे लिए किसी सपने के सच होने की तरह है. महोदय, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने अत्यंत ही व्यस्त कार्यक्रम में से हमें मिलने का समय दिया. किसी भी देश की इमारतें तथा मूलभूत व्यवस्थाएँ उस देश के विकास का प्रतिबिंब होती हैं. इन इमारतों को वास्तविक रूप देने के लिए वास्तुकारों एवं अभियंताओं का संयुक्त रूप से कार्यरत होना आवश्यक है और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इस क्षेत्र में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है. विशेष तकनीकी अध्ययन के पश्चात हम सभी प्रोबेशनरी अधिकारियों के अंतःकरण में एक ही सपना था कि हम देश के हित में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति पाकर हम सभी युवाओं को ऐसा ही एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है. महोदय, हमने सर्वप्रथम राष्ट्रीय CPWD अकादमी गाज़ियाबाद में ज्वाइन किया, जहां हमने 16 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण लिया. इस दौरान हमें विभाग के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई. हमें तकनीकी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक तथा निर्माण संबंधित अन्य जानकारियों से अवगत कराया गया. क्लासरूम प्रशिक्षण के दौरान संधारणीय यानी सस्टेनेबल, सुगम्य, किफ़ायती एवं तकनीकी रूप से संभव डिज़ाइन करना सिखाया गया. हमें वास्तुशास्त्र के कुछ विशेष प्रसंगों जैसे भूदृश्य यानी लैंडस्केप डिज़ाइन, पहाड़ी वास्तुविद्या यानी हिल आर्किटेक्चर तथा विरासत इमारतों के संरक्षण पर विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया. इन 16 सप्ताहों के लाभदायक प्रशिक्षण के पश्चात हम सभी प्रोबेशनरी उपवास्तुक देश भर में विभाग के विभिन्न कार्यालयों में तैनात हैं, जहां हम राष्ट्र के निर्माण कार्यों में अपना अहम योगदान दे रहे हैं. आज भारत विश्व पटल में एक चमकते सितारे की तरह प्रज्वलित हो रहा है और हमें विश्वास है कि उन्नति की ओर तेजी से बढ़ते कदमों में हम नव अधिकारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा. महोदय, आज का दिन एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है. आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी है. सादा जीवन उच्च विचार का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वही हम लोगों ने आपसे भी सीखा है. आप दोनों ही हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं. इस अवसर पर मैं श्री कलाम की एक प्रेरणात्मक बात दोहराना चाहूँगी. उन्होंने कहा था, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना होगा. यह कहना उचित होगा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उठाए जा रहे निर्माण के बृहत आयामों व चुनौतियों का कुशलता से सामना करने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करना होगा, जिसके लिए हम युवा कृत संकल्प हैं. इन्हीं शब्दों के साथ सभा में उपस्थित सभी मनीषियों को पुनः प्रणाम करते हुए अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
respected senior officers, and my fellow probationers. Namaste to all of you. Sir, I, Sachin Sharma, Deputy Architect, on behalf of my batch, express my gratitude to you from the bottom of my heart for giving us this rare and golden opportunity to be here. CPWD is one of the oldest premier organizations in the country. Over the time, it has shown its capabilities even in the strenuous conditions ranging from the deserts to the mountains and to the oceans. It has a glorious history and executed several heritage and modern buildings across India and abroad. Sir, we as young probationers from Central Architect Services are extremely obliged by being a part of CPWD and are enthusiastic to serve this nation with our creative and technical knowledge. Our journey began with 16 weeks foundation training at National CPWD Academy, Ghaziabad, which trained us for national building and prepared us for knowing this department thoroughly. It gives me immense pleasure to mention that this batch comprises of officers from different backgrounds, states, and cultures. Currently, after completion of foundation training, we are posted across India, nearly in all states, that is from Jammu and Kashmir to Kerala and Rajasthan to northeastern part of this country. Sir, it is pertinent to mention that this batch of probationary deputy architects are involved in many prestigious projects of national importance and public utility. For example, IITs, AIIMS, and even various projects of President Estate. I myself have the privilege of working on President Estate's project. We are pioneering in green building concepts, accessible India, and heritage conservation. India is a land of varied climates and cultures, and we expertise in vernacular and climate-responsive architecture for energy efficiency. Sir, I assure you on behalf of my colleagues that we will work wholeheartedly towards the sustainable growth of this great nation and will continue the rich legacy of this department with your good ideas and blessings in person. In the end, I want to quote a few lines from the poem of former Prime Minister, late Shri Atal Bihari Vajpayee, which we all following with great zeal and enthusiasm. Ek hath mein srijan, dusre mein hum pralay liye chalte hain, sabhi kirti jwala mein jalte, hum andhiyare mein jalte hain. Aankhon mein vaibhav ke sapne, pag mein toofanon ki gati ho, rashtra bhakti ka jwar na rukta, aaye jis jis ki himmat ho. Thank you. Jai Hind.